दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं नंदी हिल। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं नंदी हिल को और नंदी हिल का काफ़ी ज़बरदस्त व्यू होने वाला है अर्ली मॉर्निंग का। तो अभी हम लोग ब्लेंदूर से निकल चुके हैं, तो अप्रॉक्स 3-4 किलोमीटर हम लोग निकल चुके हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं मैप कि अभी यहाँ पे अप्रॉक्स 1 आवर 26 मिनट दिखा रहा है, तो हम लोग अप्रॉक्स 5:23 को वहाँ पे रीच होंगे और उसके बाद वहाँ का अर्ली मॉर्निंग का आपको व्यू कराने वाला है जो काफी जबरदस्त और काफी लाजवाब होने वाला है। तो वीडियो पे बने रहिए, आगे का व्यू देखते रहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए और यहाँ से नंदी हिल का डिस्टेंस जो है दिखा रहा है 27 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन, जगह का तो नाम पता नहीं है और यहाँ पे टी स्टॉल है, यहाँ पे कॉफ़ी टी दोनों मिलेगा और सामने देख सकते हैं सिग्नल है। अभी हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी पीने के बाद यहाँ से जर्नी चालू होगा नंदी हिल का। नंदी हिल रीच होने के बाद आगे का व्यू कराते हैं, वीडियो पे बने रहिए और मॉर्निंग मॉर्निंग कॉफ़ी का आनंद लेते रहिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग नंदी हिल नियर पहुंच चुके हैं। यहां से डिस्टेंस है कुछ 5-8 किलोमीटर और अभी टाइम हो चुका है 5:20। तो जाम लगा हुआ है, तो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा जाम। फाइनली हम लोग नंदी हिल पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर बचा हुआ है। तो चलिए अभी आपको रोड का थोड़ा सा दृश्य कराते हैं, व्यू कराते हैं, काफी जबरदस्त होने वाला है और काफी रोमांचक। तो चलिए व्यू कराते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं नंदी हिल और ये देख सकते हैं हम लोग मेन एंट्रेंस से इन कर चुके हैं और ये सामने हम लोग जाएंगे पार्किंग एरिया में और पार्क करेंगे, उसके बाद ऊपर का व्यू कराएंगे, काफी लाजवाब व्यू होने वाला है। तो चलिए पहले पार्किंग एरिया में गाड़ी को पार्क करते हैं और देख सकते हैं काफी लग रहा है कि जैसे बारिश हो रहा है, काफी कुहा छाया हुआ है और ये पार्किंग एरिया देख रहे हैं फुल रश है। तो चलिए अभी पार्क करके आपको टिकट लेके आगे का व्यू कराते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग टिकट काउंटर पर पहुंच चुके हैं और आपको टिकट लेने के बाद आगे का व्यू कराते हैं। तो चलिए देख सकते हैं आप कितना क्राउड है मेरे बैक साइड में और इधर भी देख सकते हैं पूरा फुल टिकट काउंटर है, यहाँ पे सब लोग टिकट लेने के लिए वेट कर रहे हैं। टिकट लेने के बाद आपको आगे का व्यू कराते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग टिकट ले चुके हैं और टिकट लेने के बाद अभी हम लोग अंदर जाएंगे। तो ये देख सकते हैं सामने टिकट है, तो एडल्ट का 20 रुपीज पर एडल्ट है और चिल्ड्रन का 10 रुपीज है और फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो 100 रुपीज है, टू व्हीलर का पता नहीं है। तो चलिए आगे का आपको व्यू कराते हैं और एक बार थोड़ा सा व्यू करा देते हैं टू व्हीलर और फोर व्हीलर पार्किंग का। तो चलिए ये देख सकते हैं दोस्तों फुल पार्किंग एरिया है टू व्हीलर और फोर व्हीलर और यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे और ये सामने देख सकते हैं टिकट काउंटर है। तो चलिए अभी हम लोग एंट्री करेंगे। तो फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं और अभी हम लोग नंदी हिल में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेन एंट्रेंस नंदी हिल और ये गेट है। तो अभी हम लोग मेन एंट्री गेट से इन किए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं सनराइज व्यू पॉइंट। तो अभी हम लोग ऊपर चलेंगे, ऊपर चल के आपको व्यू दिखाएंगे कि क्या जबरदस्त व्यू होने वाला है।
आज का जो वेदर है देख सकते हैं काफी लाजवाब और काफी जबरदस्त है। तो ये आपको वेदर आप एटलीस्ट 6:30 6 o'clock यहाँ पे इनसाइड रिच हो जाते हैं तब जाके आपको ये वेदर मिल सकता है और काफी लाजवाब है। तो चलिए अभी आगे का व्यू कराते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये वेलकम टू नंदी हिल पॉइंट। तो यहाँ पे क्या क्या है ये पूरा दर्शाया गया है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग व्यू पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और आपको व्यू कराते हैं व्यू पॉइंट का। तो दोस्तों अभी आप लोग को नंदी हिल का व्यू कराए हैं। अभी आपको लेके चल रहे हैं योगा नंदेश्वरा स्वामी टेंपल में और आपको अंदर में दिखाएंगे कि क्या है। भगवान का टेंपल है तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हमको भी नहीं पता है। तो चलिए अंदर में व्यू कराते हैं और आपको बताते हैं जो भी पॉसिबल हो सकता है आपको बताएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपको पहले दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं नंदी हिल व्यू पॉइंट है और जैसे ही इधर आएंगे तो सामने में योगा नंदेश्वरा स्वामी टेंपल और यहाँ पे आपको स्लीपर रखना है। तो स्लीपर का पर स्लीपर या शू है तो 5 रुपये लगेगा यहाँ पे रख के और उसके बाद आपको जाना है। तो चलिए अंदर ले चल के आपको दर्शन कराते हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट एंट्री हो चुके हैं और इन करते कुछ ऐसा व्यू है। वे टू टेंपल तो इधर टेंपल है। तो ये अभी हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि अंदर में क्या क्या है। भगवान का स्टैचू भी बनाया हुआ है। और ये शिव जी और पार्वती जी का टेंपल है। तो श्री योगानंदेश्वरा स्वामी टेंपल। चलिए अभी हम लोग अंदर इन करते हैं। तो दोस्तों अंदर में फोटो और वीडियो अलाउ नहीं है इसलिए हम आपको अंदर का व्यू ज्यादा नहीं करा पाए हैं।
बट चलिए अभी हम लोग जैसे मंदिर से एग्जिट करते हैं, तो यहाँ एग्जिट करने के बाद कुछ ऐसा स्पेस है और सामने नाग देवता का कुछ मूर्ति है, जो चलिए आपको व्यू कराते हैं, उसके बाद आगे का भी व्यू कराते हैं। यहाँ पे नंदी जी का भी मूर्ति है, स्टैचू है, और हमारे नाग देवता का भी है। और जैसे इस बाजू से यहाँ से आते हैं तो एक छोटा सा डोर है, उससे इन करेंगे तो आपको एक अच्छा सा तालाब है अंदर में। तो यहाँ पे अंदर आने के बाद कुछ ऐसा तालाब का व्यू है, बट इसके बारे में हमको हिस्ट्री नहीं पता है, इसलिए इसके बारे में हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते हैं। बट व्यू देखिए, जितने लोग भी आते हैं यहाँ पे ज़रूर आते हैं, फ़ोटो सेशन भी करते हैं। तो जैसे ही हम मंदिर के बाहर आते हैं तो मंदिर के बाहर कुछ ऐसा व्यू है, ये पूरा पहाड़ी का, और अभी तक स्मॉग गया नहीं है तो देख सकते हैं। और यहाँ पे भी दो टेंपल है, तो चलिए आपको टेंपल का व्यू कराते हैं। जो छोटा टेंपल है, एक है अंजनी का और एक है गणेशा का टेंपल, तो चलिए आपको उसका छोटा सा व्यू कराते हैं। तो ये सामने देख सकते हैं गणेशा का टेंपल है, गणेश भगवान का, और वो सामने देख सकते हैं वो अंजनी का टेंपल है। और व्यू कुछ देखेंगे तो ऐसा व्यू है, और ये सामने टेंपल है जहाँ से अभी हम लोग निकले हैं। तो जैसे ही मेन एंट्रेंस से आएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको टीपू सुल्तान का रेसिडेंस पड़ेगा, तो आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, तो ये सामने देख रहे हैं मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस से जैसे आप आएंगे तो ऐसे हो के आपको आना है, तो आने के बाद आप देखिए सामने टीपू सुल्तान रेसिडेंस है। तो चलिए आपको व्यू कराते हैं। यहाँ पे बोर्ड डाला हुआ है टीपू सुल्तान समर रेसिडेंस, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। और ये सामने देख रहे हैं टीपू सुल्तान समर रेसिडेंस का व्यू है, और इधर से आप इन करेंगे और इधर से भी आप इन कर सकते हैं। तो चलिए अभी आपको अंदर ले चल के दिखाते हैं। तो दोस्तों, नंदी हिल का व्यू कराए, व्यू कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन से लोग, आप जो वीडियो देख रहे हैं हमारा, आप लोग कौन कौन से लोग नंदी हिल आए हैं और कौन कौन से लोग नंदी हिल नहीं आए हैं अभी तक, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह मेरे वीडियो पे बने रहिए, तो इससे भी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए धमाल के साथ, तब तक के लिए बाय। तो जैसे आप नंदी हिल से रिटर्न होंगे तो आपको ऊपर से आएंगे, ये सामने नंदी हिल जाने का रास्ता है, और जैसे ही रिटर्न होंगे उसी तरह आपको सामने में सिनिचना प्लेस होटल है, यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी आपको अंदर ले चल के व्यू कराते हैं थोड़ा सा। तो अभी हम लोग होटल के अंदर चलेंगे, और होटल के अंदर चलने के बाद आपको अंदर का व्यू कराएंगे, और हम लोग क्या ब्रेकफास्ट करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये एंट्रेंस है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्लेस है, यहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं, सिटिंग काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पहले ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर लेने के बाद आपको सीट पे ही आपको डिलीवरी करते हैं। यहाँ पे इनका किचन है, ये पूरा स्पेस है सिटिंग एरिया का, और आपको यहाँ पे टी कॉफ़ी ब्रेकफास्ट लंच सभी मिलेगा। और प्राइस की बात करें तो प्राइस काफ़ी अच्छा है यहाँ का, और यहाँ पे आपको बाजू में यहाँ पे जूस वगैरह आइसक्रीम वगैरह आइसक्रीम का भी यहाँ पे मिलेगा, आइसक्रीम चॉकलेट सभी यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग आके अंदर होटल में बैठ चुके हैं, तो अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट होगा, और ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हैं, तो हमारा ब्रेकफास्ट होगा डोसा। तो अभी ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं, तो ये डोसा है और इसके साथ चटनी है, और इसके साथ कुछ ग्रेवी टाइप का दिया गया है। तो चलिए
पहले स्टार्ट करते हैं खाने का।